इस वीडियो में देखिए हम एक ऐसे एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करेंगे जिसके अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन हमने लिया कॉस 4x इंटू कॉस 6x और dx, राइट। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं या कंसेप्ट जो हमें ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज़ करते थे, ट्रांसफॉर्मेशन, हम यहाँ पे जो इस्तेमाल करेंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन हम उसको समझते हैं ये मेथड होती क्या थी। तो देखिए यहाँ से आपने एक फॉर्मूला लास्ट 11 क्लास में सीखा होगा, लास्ट ईयर, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल्स टू 2 cos C + D होल डिवाइडेड बाय 2, और सिमिलरली cos C - D डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो आप देखते हैं ये एक प्रॉब्लम आप इस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते थे। ये कंपाउंड होता था, यहाँ पे एडिशन लग रहा है और यहाँ से हमें एक प्रोडक्ट मिलता था। इसी क्वेश्चन को अगर मैं देखिए थोड़ा और सिंपल तरीके से ले लूँ, अगर हमें cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा अगर सिंप्लीफाई करना होता तो ट्रांसफॉर्मेशन से हमें क्या मिलेगा, 2 cos 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2 तो 3 थीटा, एंड cos 4 थीटा माइ देखिए 4 थीटा - 2 थीटा सेम फॉर्मेट लगा रहे हम यहाँ पे, सो 2 थीटा हमें मिलेगा और हम उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें थीटा मिल जाएगा। तो आप देखेंगे इसी टाइप का एक इंटीग्रेशन मैंने आपको दे रखा है कि इसी पैटर्न में एक इंटीग्रेशन है और आपको उसे इंटीग्रेट करना है, राइट। यहाँ पे डेटा 3 और थीटा 2 थीटा के फॉर्म में और यहाँ पे 4x और 6x के फॉर्म में, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसे इंटीग्रेट करने के लिए आपको इसके अंदर रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगी, मतलब आपको प्रोडक्ट से इसे फिर से इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए हम इसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया करते थे, तो जब हम इसको उल्टा कन्वर्ट करते हैं तो देखिए उल्टा हमें यहाँ पे कॉस का प्रोडक्ट जो है वो हमें cos C + cos D के फॉर्मूला, ये फॉर्मेट हमें दिख रहा है। तो जब भी हम इसका उल्टा करते हैं तो देखिए हम उल्टा करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को एक बार ऐड कर देते हैं और दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें एग्जैक्ट इसका अपोजिट मिल जाता है। आई थिंक आपने ये 11th क्लास में कॉन्सेप्ट सीखा होगा। तो हम यहाँ से cos 3 थीटा एंड cos थीटा को हम अगर कन्वर्ट करें तो देखिए हम इतना तो जानते हैं कि ये ओरिजिनल फॉर्म में cos C + cos D ही होगा, तो हम उसको कैसे मेंशन करेंगे, तो कॉस और 3 थीटा + थीटा इस बार ऐड करेंगे और फोर्स इस बार 2 को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे आप, और प्लस 3 थीटा - थीटा करेंगे तो यहाँ से आपको 2 थीटा मिल जाएगा। तो आप देखेंगे बिल्कुल हम इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आ गए, यही इसका ओरिजिनल फॉर्म था। तो आपने देखा कि सेम टर्म आप देखेंगे आपको यहाँ दिखाई दे रही है। तो आपको इस क्वेश्चन को भी इंटीग्रेट करना है, तो देखिए cos 4x और cos 6x dx को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको हम एक डिफरेंट पेज पे इंटीग्रेट करते हैं। तो हमें दे रखा था i = cos 4 और cos 6, हम मैं पहले 6 मेंशन कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोडक्ट में है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी बात है कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे 2 का यूज़ होता है, जब भी आप ये फॉर्मूला लगाते हैं cos C + cos D तो यहाँ पे देखिए 2 आता है और हमारे इस क्वेश्चन में हमें 2 नहीं दे रखा है। तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ से इसको उस फॉर्मेट में बनाने के लिए हम 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ i = 1/2 और इंटू में 2 cos 6x, और आप देखेंगे तो ये कॉस का प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट को इस बार आप फिर से कन्वर्ट कर देंगे कंपाउंड में, तो हम जानते हैं ये cos C + cos D का ही फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ से हम इसको आगे इंटीग्रेट करते हैं, तो 1/2 एज इट इज़, 6x + 4x हम देखेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा cos 10x प्लस, ये प्लस देखिए आपको ये दिख रहा है एज इट इज़ सेम प्लस है, और 6x में से 4x आपको माइनस करना है और देखिए आपको इस बार 2 से डिवाइड नहीं करना है, तो ये आपको मिल जाएगा cos 2x और इस पूरे के बाहर आप देखेंगे तो dx है। अब आप एक काम कीजिए, इस ये आपको 2 डिफरेंट इंटीग्रेशन मिल रहा है, हम इसको सेपरेट कर देते हैं, तो 1/2
कॉस टेन एक्स डी एक्स और प्लस वन अपॉन टू कॉस टू एक्स और डी एक्स। अब आप एक काम कीजिए, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब हम जानते हैं टेन एक्स को हम यहाँ से टी सपोज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, और ऐसे ही यहाँ से हम टू एक्स को कोई वेरिएबल हम पी ले लेते हैं। तो टेन एक्स, अब देखिए आपके इस क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा, तो इसको हम यहाँ समझते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या चेंज आया। राइट, तो हमारे क्वेश्चन में चेंज आ जाएगा आई इक्वल्स टू वन बाय टू कॉस, और टेन एक्स के प्लेस पर देखिए आप टी लिख सकते हैं और ये रहा डी एक्स, पर आप इसे अभी इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि टी है, तो ये डी टी के फॉर्म में इंटीग्रेट होगा। इसका मतलब यहाँ से आपको डी एक्स को हटाना होगा, इसको रिमूव करना होगा। सिमिलरली ये जो सेकेंड फेज देख रहे हैं, देखिए ये कैसा दिखाई देगा, वन अपॉन टू कॉस और टू एक्स के प्लेस पर पी आ जाएगा और डी एक्स, आप अभी इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो जब इसका इंटायर डेरिवेटिव करेंगे तो हमको मिलेगा टेन डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और इस टेन को हम नीचे लेकर आ जाएंगे तो हमें डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी डी टी डिवाइडेड बाय टेन। उसी प्रकार से जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको यहाँ से टू डी एक्स मिलेगा, और इस बार हम डी एक्स को नीचे लेके आ जाते हैं। तो देखिए पूरा डेटा हम इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, तो आई इक्वल्स टू वन अपॉन टू और कॉस, और आप देखेंगे टी एज इट इज़ है, और डी एक्स के प्लेस पर आप देखेंगे इस बार क्या रखेंगे, आप डी एक्स के प्लेस में डी टी बाय टेन रखेंगे। तो ये रहा आपका डी टी, और टेन इससे इंटू ओके बन जाएगा ट्वेंटी। सिमिलरली ये रहा वन अपॉन टू इंट्रीगेशन कॉस पी, और डी एक्स को हम जब हटाएंगे तो वो डी पी बाय टू में कन्वर्ट होगा, और ये फोर बन जाएगा टू से इंटू। अब आप इसको सिंपल इंट्रीगेशन में कन्वर्ट कर चुके हैं, बस का डायरेक्ट इंट्रीगेशन कर दीजिए, तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा वन अपॉन ट्वेंटी, यहाँ से मिलेगा साइन टी, और ये वन बाय फोर, और ये मिलेगा साइन पी। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ से टी और पी को हटा दीजिए, आपका इंट्रीगेशन कन्वर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो आई इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा वन बाय ट्वेंटी साइन टेन एक्स एंड प्लस का वन बाय फोर, और साइन आपको मिल जाएगा फोर एक्स और प्लस का सी। तो इस प्रकार से हमने इसको इजीली इंटीग्रेट कर दिया। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सपोज हमें थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट दिए होते तो हम उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है कॉस टू एक्स इंटू में कॉस फोर एक्स और इंटू में कॉस सिक्स एक्स, और आपको इसे इंटीग्रेट करना है। तो हम एक काम करेंगे, टू टू का पेयर बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं टू का पेयर बना रहा हूँ यहाँ पे, आप कोई भी दो ले सकते हैं, मैं यहाँ पे बड़े नंबर ले रहा हूँ कॉस सिक्स एक्स और इंटू में कॉस फोर एक्स, आप कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ से टू से इंटू टू से डिवाइड करा, और आप देखेंगे अभी भी ये प्रोडक्ट हो रहा था और अभी भी ये प्रोडक्ट ही हो रहा है। अब यहाँ से हम प्रोडक्ट को कन्वर्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में, हम जानते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला है। तो देखिए हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, वन बाय टू, और यहाँ से आपको मिलेगा कॉस सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स बन जाएगा टेन एक्स। आप जानते हैं जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन कंपाउंड में करते हैं तो हम टू से डिवाइड नहीं करते हैं, प्लस सिक्स एक्स में से फोर एक्स जाएंगे तो आपको मिलेगा कॉस टू एक्स। और देखिए इस टर्म के बाहर यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटू हो रहा था, यहाँ पे भी इंटू ही होगा। अब आप इस पूरे ब्रैकेट के बाहर कॉस टू एक्स के अंदर इंटू कर दीजिए, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा आई इक्वल्स टू वन अपॉन टू कॉस टेन एक्स इंटू में कॉस टू एक्स प्लस कॉस स्क्वायर टू एक्स का डी एक्स, राइट। अब आप एक काम करिए, यहाँ से इस टर्म को तो आप देखेंगे तो फिर से प्रोडक्ट में मिल गया, तो हम इसे एक बार और उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए वन बाय टू है या ऑलरेडी बाहर है, यहाँ से हम टू से इंटू करेंगे और एक बार और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉस टू एक्स में, और देखिए टू से इंटू करा तो इस बार टू से डिवाइड भी कर दिया, राइट। और यहाँ से आप देखेंगे तो कॉस टू एक्स का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वन प्लस कॉस
फोर एक्स होल डिवाइडेड बाई टू, और ये वन बाई टू ऑलरेडी है तो ये वन बाई टू एज इट इज़। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन दो डिफरेंट टर्म में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से आपको पहला आई वन मिला और यहाँ से आपको सेकेंड आई टू मिला। अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है, तो चलिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। राइट, तो चलिए हम I1 का इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1 बाय 4 ऑलरेडी इनटू हो जाएगा 2 से 2 का, और यहाँ से आप फिर से कंपाउंड आपको मिल जाएगा, तो आपको कंपाउंड मिल जाएगा cos 12x 10 प्लस 2 ऐड कर दीजिए, प्लस 10 में से 2 चले जाएंगे तो 8x, और इस बार आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन अब कर सकते हैं, और यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 4 और 1 प्लस कॉस 4x और इंटायर का dx। अब आप देखिए अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा था, अब ये बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। कॉस 12x का आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बाय 4 इंटू साइन 12x, और आप जानते हैं ये 12 मेंशन है यहाँ पे, ये 12 फिर से नीचे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से मिल जाएगा 1 अपॉन 4, कॉस 8x का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 8x डिवाइडेड बाय 8 के इनटू में है। सिमिलरली 1 बाय 4 आप जब इसे इंटीग्रेट करेंगे 1 को, तो यहाँ से आपको x मिलेगा, और ये रहा 1 बाय 4, और साइन 4x सॉरी कॉस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x हो जाएगा, और आपको नीचे फिर से इनटू में 4 मिलेगा। तो फाइनल इंटीग्रेशन देखिए हमें इसका क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा i इक्वल्स टू साइन 12x डिवाइडेड बाय 48, ये आपको इस टर्म से मिलेगा। इस टर्म से आपको मिल जाएगा प्लस का 1 अपॉन 32 साइन 8x, ये आपको इस टर्म से मिला। यहाँ से आपको मिल जाएगा x बाय 4, और यहाँ से 4 का 4 में इंटू होके 16 हो जाएगा, और साइन 4x डिवाइडेड बाय 16 और प्लस का c। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर थ्री प्रोडक्ट भी हमें दे रखे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले से हम इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं।